अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये रहा ऐशो, ऐशो भी बाहर जा रहा था और ये बैठ गया यहीं पे। आज का व्लॉग मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट स्टार्ट करा है। और ये रही मेरी नानी, ये रही मेरी बहन वानिया, आज मम्मी ने दोबारा से मशीन लगा रखी है। कुछ चांदी वगैरह थी वो धो रही थी और सुबह जितनी तेज़ की बारिश आ रही थी, इतनी ज़बरदस्त वाली खूब तेज़ की बारिश आ रही थी, हमारे सारे भर बैलगनी में कपड़े टंगे हुए थे वो सारे दोबारा से गीले हो गए। और ये रही मम्मी, मैं बना रही हूँ वानिया पे मैगी। मैगी आप बना रही है? मैगी मैं बना रही हूँ मैगी, और जो मुझे मैगी के पैसे मिले थे अपने, उसकी जो है ना मैं मंगवाऊंगी चीज़, अभी की मंगवा रही हूँ, मैं बाद में मंगवाऊंगी पापा जी से, जब पापा लेंगे। हम ये डाल दिया मैंने मैगी मसाले इसमें, और अब डालूंगी इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। किस खुशी में? थोड़ा ज़्यादा डाल लेना आप नमक शमा। नमक शमा ये चाट मसाला, बस बस थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है ना, अच्छा लगता है। सारे चटनी दे दूँगा बंदी को, अब इसको मैं कर दूँगी मिक्स। मैंने ये देखो, मैंने ये कर दिया है मिक्स। और अब गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, वानिया मेरे से ये पूछ रही थी, आप ही जब तुम अपनी मैगी बनाओगे ना जब मेरी भी बना लेना, ये सोच रही थी हम लोग साथ साथ खाएंगे। फिर मैंने इसको बताया कि मैं चीज़ मंगवाऊँगी अपने पैसों की, लेकिन ना ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, अभी शाम को तो मेरी मैगी ला देना, मैं शाम को खाऊँगी। ऐसे ही मैं चाहती थी, पहले तू घर के बारे में मैं खाऊँ। थोड़ी सी चीज़ रखी है बनी तुम्हारी मैगी में, मोजरेला चीज़ डाल दो थोड़ी सी, वैसे और स्ट्रीची स्ट्रीची यार। एक तो ये जो है ना सब हमारी वाली इसमें ना वो रख देते हैं, चीज़ मेरी थोड़ी सी बची हुई है बिल्कुल, बस और ये रहा ओरिगेनो मेरा, ये रही चिली फ्लेक्स, इसके पास्ता सॉस में होनी है, चीज भी है इसके नीचे चिली फ्लेक्स ओरिगेनो। और ये देखो ये मेरी मम्मी ने कॉफी लाई थी कतर से मेरे लिए, ये वाली। और ये हम दोनों की नहीं, हम दोनों की नहीं है, तुम्हारी वाली खत्म हुई, ये मेरी वाली है। और आप सारी चीज डाल देना थोड़ी सी, हां इसको ना रख दे, मैं डाल दूंगी। और चॉपस्टिक का है पता नहीं मुझे। ये रही मामी खा रही खाना, ये रही नानी, और इनके लिए मैंने दाल बनाई है मामी के लिए, क्योंकि बीमार है ना मामी इस वजह से। ये देखिए ये रही अम्मी मेरी, आप लोगों को भर भर देखो ना, धूप आ गई है थोड़ी थोड़ी सी, देखो सुबह से इतनी ज़बरदस्त सारी बारिश आ रही थी, अब एकदम से धूप आ गई। अभी आप लोगों को पता है अंदर कितने इंपॉर्टेंट डिस्कशंस चल रहे हैं, को मतलब मामी कह रही है मैं उसका लहसुन का लगाती हूँ भगा, अम्मी कह रही मैं प्याज का लगाती हूँ भाई, भगाड़ तो भगा देता है ना, मैं तो किसी में भी नहीं लगाती, मैं खाती नहीं हूँ भगा। और ये रही मैगी, हाँ गई थी सच में नहीं खाती, अच्छा नहीं कर रहा मम्मी, मम्मी को ये पता है मैं नहीं खाती भगा, बिना भगाड़ वाली दाल नहीं खाती अपने। वैसे वानिया आप किस खुशी में निकलेंगे चम्मच? चॉपस्टिक निकालेंगे। चॉपस्टिक किसमें डाल दी अम्मी ने? कोई बात नहीं, बड़े बड़े नहीं छोटे छोटे शहरों में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती हैं। कैसे साफ़ चॉपस्टिक? हाँ भाई यार मैंने धोई थी, इसमें थोड़ा सा जीरा वीरा डाल दो मैंने। गैस मुझे ना एक दफ़ा वाले रामेन खाने, वो जो बहुत सारे बाउल में सूप के साथ नहीं होते, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सूप वाले नूडल्स। देखो भाई छोटी सी औरत मैगी बना रही है, पानी अभी जो है ना मैगी थोड़ी सी कच्ची है। हाँ अभी तो टेस्ट कर रही हूँ। हाँ हाँ, ताकि के पानी जल्दी से सूख जाए और मैगी कच्चा ही रहे। इसको ना जरा डस्टबिन में फेंको शराफत से। मैगी सच बताना गाइस आप लोगों को गुट के सच बताना गाइस आप लोगों को, जब ये वाली वीडियो देखे ना मेरी मैगी की क्रेविंग होने लगेगी, मैं तो ऐसे कह रही हूँ अपने पास सबका पता नहीं भी हो। अगर आप कच्ची मैगी खाएंगे ना तो आपके पैर में कीड़े हो जाएंगे, पेट में पैर में नहीं पेट में। ये पेट के रहेगा गाइस, पैर मत समझना प्लीज, तोतली है आदत से मजबूर है मम्मी।
ये एक चीज़ है बहुत बढ़िया सी, ये देखिए जो है ना, इसने वाली ने इसमें कोल्ड ड्रिंक भर रखी है। अब मैं बना रही रोटियाँ, मेरी ना खांसी हो रही है मेरी सुबह से बहुत ज़्यादा, और जो है ना बॉडी पूरी गर्म गर्म सी भी हो रही है, इस वजह से मैंने आज का आधा ब्लॉग नहीं बनाया। ये देखो गाइस, मेरे पास ये देखो क्या है, ये है एक मतलब अम्मी ने आइस क्यूब बनाई है एक, ये वैसी, इसके अंदर हमने कोरिएंडर डाल रखा है, टोमेटो जूस, लेमन जूस, वाटर, फेस के लिए बहुत अच्छा होता है ये। अभी मैं इसको फेस पे लगाऊंगी, दिखाऊंगी आप सबको क्या कर रहा है। ऐशु मेरे बच्चों क्या कर रहा, तुम सो रहे थे? ऐशु पता नहीं क्यों नाराज़ हुआ है किसी बात पर। ऐशु ये देखो, ऐशु कितना खतरनाक नाराज हो रहा है यार तुम। अभी जो है ना हमारा वाईफाई चल गया था गाइस, ये देखो बच्चे पकड़ने वाली है ये, इससे जो है सतर्क रहें आप सभी। और ये जो है ना छोटे छोटे बच्चों को उठाती है और उनसे भीख मंगवाती है, और जो है ना क्या हो खे रही है अभी पैसा, ये वही है जो बच्चों से भीख मंगवाती है। ये जो है ना कह रही है मैं नीचे से आऊँगी, तुम तो गेट बंद कर लो, फिर ये नॉक करेगी, फिर हम मेरे हम प्रेम करेंगे। है शु कोई आया है? कोई आया, कोई आया, देख लिया मैं। कोई अम्मी अम्मी कोई आया है? 6 मिनट पे शिफ्ट होगा, 3 मिनट दे दो थोड़े से चाय बनाने के लिए। हमें इधर पहले तो आवाज ही होगा, तुम्हें घर में नहीं होगा तुम्हें। ये जो है ना बिल्ली सबसे तेज है, और वो जो बच्चा था ना उसका नाम हमीम है। हमीम है, ये डरता है पानी से, डरता है ये। मैंने इसका हाथ लेके यखनी में डाल दिया, प्लीज ना नो खा लो ना। ये जो है ना ये ऐशु सोच रहा है कि मैं खिलाऊंगी इसको, और नानी की और वानी की डिस्कशन चल रही है कुछ अंदर। ऐशु तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं खिलाऊंगी तुम्हें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखो अच्छा, ये एक एक खिलाऊंगी खाली, फिर उसके बाद तुम। वानिया कह रही है गाइस वानिया के बाल बहुत बड़े हो गए हैं, ये देखो, और इतने बड़े हो गए हैं कि मुझसे भी ज़्यादा, मेरे बालों से भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, ये देखिए। वानिया है, और जो मेरे फेस पे छोटे छोटे से दाने हो रहे थे पिंपल्स, उसके ऊपर मैंने अपनी ट्यूब अप्लाई करी है, ये देखिए यहाँ पर मैंने ट्यूब लगाई है, और जो मैंने ट्यूब लगाई है वो मैं आपको यहाँ साइड पे फोटो दे दूँगी उसका नीचे की तरफ। अगर आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर। बाय।